उत्तर प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। दिवंगत नेताओं को सीएम योगी समेत सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 23 सितंबर तक चलेगा मॉनसून सत्र। अखिलेश यादव के पैदल मार्च का रूट बदलने पर सियासत हुई गर्म। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए तानाशाही के आरोप। का सरकार विपक्ष को सदन तक आने नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा हंगामा करना है समाजवादी पार्टी की आदत। सपा से बिना हंगामा सदन चलाने की नहीं की जा सकती है उम्मीद। ब्रजेश पाठक ने सपा के पैदल मार्च को लेकर किया बड़ा दावा। कहा एलआईयू की रिपोर्ट में हिंसा की जताई थी आशंका। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बदला था सपा के पैदल मार्च का रूट। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश को लेकर बड़ा दावा। कहा 2 साल में यूपी छोड़कर भाग जाएंगे अखिलेश। कहा सपा अध्यक्ष कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। मायावती ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा मानसून सत्र के पहले विपक्ष को बेरोजगार बताना दिखाता है बीजेपी का अहंकार। ट्वीट में लिखा विकास की जगह फालतू के मुद्दों को उठाने में लगी है बीजेपी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। फीस में बढ़ोतरी से नाराज है यूनिवर्सिटी के छात्र। फीस में किया गया है 4 गुने का इजाफा। एक छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस के साथ भी हुई नोकझोंक। लखनऊ में 28 और 29 सितंबर को होगा सपा का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन। पार्टी सम्मेलन में बनाएगी रणनीति। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा चुनाव। रामनगरी अयोध्या में बना सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर। रोज मंदिर में होती है आरती और पूजा। अयोध्या के युवक ने बनवाया है मंदिर। दो समुदायों के बीच मारपीट मामले में मऊ के 25 लोगों को वारंट जारी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर दी चेतावनी। 2012 में हुई थी मारपीट।